के लीडर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले दोस्तों, और ये इंडिया की दिग्गज कंपनी दोस्तों टाटा और एक आईपीओ मार्केट में लॉन्च करने जा रहे दोस्तों। टाटा एक नया आईपीओ लॉन्च करने वाले दोस्तों, और आप देख सकते हो टाटा प्ले अभी अभी कंपनी ने रीब्रांड किया है दोस्तों। टाटा स्काई को टाटा प्ले से इन्होंने अभी मार्केट में ये कर दिया है दोस्तों। तो ये कंपनी आगे जाके अभी आपको ना आईपीओ लाने वाली है दोस्तों, और आप देख सकते हो टाटा प्ले में सुन फाइल ड्राफ्ट पेपर फॉर 400 मिलियन डॉलर का आईपीओ लाने वाले दोस्तों। ये मार्केट में अभी टाटा प्ले रीब्रांडेड इट सेल्फ इन जनवरी दिस ईयर हैज टाटा प्ले टू एक्सपांड, ये अपना बिजनेस भी एक्सपांड करने वाले दोस्तों। जो भी आईपीओ से पैसा आएगा वो अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, और थोड़ा सा इनका ओएफएस भी हो सकता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो टाटा टेलीविजन में अभी ओटीटी वगैरह भी प्लेटफॉर्म ये कंबाइन पैकेज ऑफर्स लाने वाले दोस्तों आगे जाके। और देख सकते हो द सैटेलाइट टेलीविजन बिजनेस ऑफ द टाटा ग्रुप, इनका जो भी सैटेलाइट टेलीविजन बिजनेस था दोस्तों टाटा ग्रुप का, टाटा स्काई था दोस्तों, इन्होंने रीब्रांड किया उसको टाटा प्ले, और उसने अभी अभी ये फॉर्मली नोन एज टाटा स्काई। तो वही दोस्तों टाटा स्काई को इन्होंने टाटा प्ले कर दिया, और ये अभी इन्होंने ड्राफ्ट डीआरएच भी फाइल कर दिया है दोस्तों अपने आईपीओ के लिए, और इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग बाय एंड ऑफ दिस मंथ। तो आईपीओ अभी ये इसी मंथ में बोल रहा है दोस्तों, मगर इस मंथ में तो पॉसिबल नहीं होने वाला है। अब देखिए अभी तो डीआरएच भी फाइल किया है, टाइम लगेगा दोस्तों। परस्पेक्ट तो डीआरएच भी फाइल कर रहे हैं दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बाय एंड ऑफ दिस मंथ लिखा है इन्होंने, मगर ये अभी देखेंगे दोस्तों। ये इनकी अकेले की रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, मिंट के साथ मनी कंट्रोल और मिंट दोनों की रिपोर्ट है दोस्तों। मिंट रिपोर्टेड ऑन September 3, सिटिंग सोर्सेज अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट, द पब्लिक ऑफर इज एक्सपेक्टेड टू बी इन रेंज ऑफ 300 to 400 million US dollar एटलीस्ट। तो देख सकते हो इनका आईपीओ आने वाला है, मिनिमम बोल रहे दोस्तों रेंज, उनकी मिनिमम रेंज है 300 to 400 million डॉलर में दोस्तों एटलीस्ट। तो ये कंपनी अभी अच्छा खासा आईपीओ लाने वाली है दोस्तों मार्केट में, तो आप अपना पैसा रेडी रखिए दोस्तों, और ये आईपीओ आएगा, जल्दी ही लॉन्च होगा दोस्तों। और अभी ये तो सोर्सेस की तरह से न्यूज़ आ रही है दोस्तों, मनी कंट्रोल कुड नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द रिपोर्ट। तो मनी कंट्रोल ने अकेले ने इस रिपोर्ट को वेरीफाई नहीं किया है दोस्तों, मिंट भी उसके साथ है। तो ये दोनों ने मिलकर ये न्यूज़ दिखाई है दोस्तों, और ये फ्रेश न्यूज़ है मार्केट में दोस्तों अभी। और आगे जाके टाटा प्ले लॉन्च होगा दोस्तों मार्केट में, आज नहीं तो थोड़े दिनों बाद आएगा दोस्तों। टाटा प्ले के साथ टाटा जियो का भी, ये रिलायंस जियो का भी आईपीओ आने ही वाला है दोस्तों मार्केट में। और देख सकते हो टाटा स्काई स्टार्टेड इट्स सर्विसेज इन 2004 एज एन 80-20 ज्वाइंट वेंचर। टाटा स्काई स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2004 में, और 80-20 का वेंचर था दोस्तों, तो 80% दोस्तों टाटा सन्स का था दोस्तों। तो देख सकते हो द कंपनी वॉज वेंचर बिटवीन टाटा सन्स ओनिंग 70% ऑफ द स्टेक, तो 70% टाटा सन्स ओन करते थे दोस्तों, एंड रूपर्ट मुर्डॉच 21st Century Fox ओनिंग 30%। तो दूसरा एक और ये था दोस्तों प्लेयर इसमें, और उसके पास थे दोस्तों 30% स्टेक। आप देख सकते हो सिंगापुर बेस्ड टीम सिक होल्डिंग ने 10% स्टेक परचेस किया था दोस्तों टाटा सन्स से 2008 में, और जो भी वर्ल्ड वर्ल्ड डिस्ने ने परचेस किया, जो दूसरा प्लेयर था दोस्तों उसका नाम देखिए मुर्डॉच, रूपर्ट मुर्डॉच, इनके पास जो भी 30% स्टेक था उसने वर्ल्ड डिस्ने ने खरीद लिया था दोस्तों 2019 में। आप देख सकते हो फॉक्स स्टेक इन द कंपनी March 2019, तो देख सकते हो तब उन्होंने ये 30% एक्वायर कर लिया दोस्तों। तो अभी 70-30 बोल सकते हो दोस्तों। और अभी देखिए टाटा स्काई द डायरेक्ट टू होम DTH, जो भी DTH कंपनी है दोस्तों इनकी टाटा स्काई से, यानी अभी इन्होंने रीब्रांड कर दिया दोस्तों टाटा प्ले, और अभी टाटा प्ले करने के बाद ये बिजनेस अपना एक्सपांड करने वाले दोस्तों। देख सकते हो ये OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप, तो OTT प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं, जो भी इनके पैकेज है अभी DTH के उसमें ही ये कंबाइन पैकेज ऑफर करेंगे दोस्तों आपका OTT का, फिर बाद में ये नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स भी चलाएंगे अपने इस पे। द प्लेटफॉर्म हैज एडेड नेटफ्लिक्स 13 OTT सर्विसेज इंक्लूडिंग अमेजॉन प्राइम वीडियो डिस्ने हॉटस्टार। तो देख सकते हो सभी टेलीविजन बिजनेस को ये टाटा प्ले में ऐड करने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों, और ये इनका प्लान सक्सेस हो गया तो जबरदस्त कंपनी बन सकती है दोस्तों ये टेलीविजन सेक्टर में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द प्रपोज्ड आईपीओ विल सी इन्वेस्टर टीमसेक एंड टाटा कैपिटल सेल पार्ट ऑफ दियर स्टेक इन द कंपनी। तो OFS भी लाएंगे दोस्तों ये OFS के साथ साथ, ये देख सकते हो व्हाइल द कंपनी आल्सो प्लान टू रेज मनी फॉर इट्स यूजर्स, तो थोड़ा पैसा भी रेज करेंगे दोस्तों जो भी अपना एक्सपांशन है उसके लिए भी, और थोड़ा सा OFS भी लाएंगे दोस्तों। तो जबरदस्त आईपीओ आने वाला है मार्केट में, तो आप अपना पैसा तैयार रखिए दोस्तों, और इस शेयर कंपनी के बारे में और डिटेल में स्टडी कीजिए। ये कंपनी प्रॉफिटेबल है दोस्तों, टाटा प्ले रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ 68.6 करोड़ इन FY 2022। तो देख सकते हो FY 2022 में कंपनी ने 68.6 करोड़ का प्रॉफिट किया था दोस्तों, कंपेयर टू पिछले साल के क्वार्टर में किया था दोस्तों इन्होंने 68.75, तो वहीं पे खेल रहा है दोस्तों इनका प्रॉफिट, ज्यादा कम भी नहीं ज्यादा ज्यादा बड़ा भी नहीं, तो उसी रेंज में है दोस्तों। तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, और ये अगर ऐसा बिजनेस का प्रपोजल रखेगी तो ये आईपीओ चलने ही वाला है दोस्तों, मल्टीबैगर आईपीओ भी हो सकता है दोस्तों, और वेल नोन ब्रांड आईपीओ लॉन्च कर रही है दोस्तों टाटा। टाटा के ऊपर सभी को भरोसा है दोस्तों, गवर्नमेंट से लेके इंडियन पीपल को भी सभी पे भरोसा है दोस्तों।
तो टाटा का आईपीओ, ये मल्टीबैगर आईपीओ हो सकता है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।